The next question is 38 problem. Function defined R 0 say 1 be a continuous function, then which of the following function has have the value 0 at some point in the interval 0 to 1. सिंपल सा कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सारे ऑप्शन उसी ऑप्शन से चेक हो जाएंगे. तो मैंने क्या किया, एक एक ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करी. ए ऑप्शन के लिए हमने फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स मान लिया, कैपिटल एफ एक्स का नाम रखा हमने ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल जीरो से एक्स एफ टी इंटू साइन टी टाइम्स ऑफ डी टी. अब उसने बोला है कि हमें जीरो से वन इंटरवल के बीच में एक रूट चाहिए, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर मैं एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन को निगेटिव प्रूफ कर ले जाऊंगा तो हमारा एक सोल्यूशन आ जाएगा उस इंटरवल के बीच में. ठीक है, तो हमने एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन को कैलकुलेट करने की कोशिश करी. एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आएगी ई इंटू जीरो टू जीरो, बाकी जो अंदर लिखा उसको छोड़ देते हैं, इंटू एफ ऑफ वन की वैल्यू आएगी ई माइनस इंटीग्रल जीरो से वन एफ टी इंटू साइन टी डी टी. अब आप देखिए ध्यान से, तो वन ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो अल्टीमेटली ये वन ही छोड़ेगा इंटू, जब मैं सेकेंड वाले टर्म में जाऊंगा तो ये लिखा हुआ है e माइनस जीरो टू वन एफ टी इंटू साइन टी. जीरो से वन के इंटरवल में, जीरो से वन के इंटरवल में, क्योंकि फंक्शन की रेंज दे रखी है जीरो से वन, तो जीरो से वन के बीच में ये फंक्शन एक फ्रैक्शनल वैल्यू लेगा और साइन टी अपने आप में एक फ्रैक्शन है, तो जब मैं दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एक फ्रैक्शन आएगा, और इंटीग्रेट करूंगा जीरो से वन में तो भी वो एक फ्रैक्शन ही आएगा. फ्रैक्शन को यानी ई माइनस ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी. ई माइनस फ्रैक्शनल वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी हमेशा, वन ऑलरेडी पॉजिटिव था, यानी दिस इम्प्लाइज एफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन, एफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि दिस इम्प्लाइज देयर इज नो सोल्यूशन इन द इंटरवल जीरो टू वन, यानी ए ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा. इसी तरीके से हम बी को भी चेक करेंगे. जब हम बी को चेक कर रहे हैं, बी ऑप्शन को सेम मैंने उस फंक्शन को नया फंक्शन एच एक्स मान लिया, एच एक्स का नाम रखा अपन ने एफ एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू एफ टी इंटू साइन टी डी टी. जब हम इसको चेक करेंगे तो हम चेक करने जा रहे हैं एच ऑफ जीरो इंटू एच ऑफ वन के बारे में, एच ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो बनेगा प्लस जीरो से पाई बाई टू बनेगा, एफ ऑफ जीरो ही आएगा, एफ ऑफ जीरो बनेगा जीरो से पाई बाई टू बनेगा, एफ टी साइन टी बनेगा, एफ टी बनेगा साइन टी बनेगा, एफ टी बनेगा साइन टी बनेगा डी टी, साथ में एच वन बनेगा एफ वन बनेगा प्लस जीरो से पाई बाई टू बनेगा, जीरो से पाई बाई टू बनेगा, एफ टी बनेगा और साइन टी बनेगा. तो अगर आप ध्यान से देखें डी टी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि फंक्शन की रेंज जीरो से वन है, ये पूरा पॉजिटिव है, जीरो से पाई बाई टू में पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी अल्टीमेटली पूरा ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी दिस इक्वेशन अगेन है नो सोल्यूशन, यानी बी आंसर भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा जीरो से वन के बीच में. इस तरीके से हम सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. सी ऑप्शन आपका है, उसको मैंने डब्ल्यू एक्स फंक्शन मान लिया. डब्ल्यू एक्स फंक्शन का नाम होगा एक्स माइनस इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ टी कॉस ऑफ टी डी टी. अब जब मैं W0 इंटू W1 की बात करूंगा, W0 इंटू W1 की बात करूंगा, तो W0 आपका आएगा 0 माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू एफ टी इंटू कॉस टी डी टी, और जब W1 की बात करूंगा तो W1 आएगा आपका 1 माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू माइनस 1 एफ टी इंटू कॉस टी डी टी. अब जरा ध्यान से देखें आप, एफ टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, कॉस टी जीरो से पाई बाई टू में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव विद नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गई. आगे बढ़ते हैं, वन में से माइनस करना है तो वन में से माइनस करूंगा, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, जीरो से पाई बाई टू माइनस वन भी एक फ्रैक्शन है, तो अगर दो फ्रैक्शन के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से पाई बाई टू में, तो ये फ्रैक्शन ही क्वांटिटी आएगी पूरी की पूरी, और वन में से माइनस करेंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा, तो यानी कि बेसिकली ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव को चेक करेंगे तो अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाएगा, यानी दिस इम्प्लाइज there is a root, there is a solution, there is a solution, there is a solution in the interval 0 to 1. इसी तरीके से हम D option को चेक करेंगे. D option में जो हमारा function है उसको मैंने gx मान लिया, gx का नाम दे रखा उसने x की power 9 minus fx, x की power 9 minus fx. Again a very simple and a very common question, जब मैं g of 0 into g of 1 की बात करूंगा
तो जी ऑफ जीरो आपके पास बन के आएगा, दैट विल बी माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ जीरो लिख दे रहा हूँ उसको, और जी ऑफ वन आपका बन के आएगा वन माइनस एफ ऑफ वन। आपको पता है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, वन में से माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, अल्टीमेटली निगेटिव होगा, तो दिस इम्प्लाइज हैज अ सोल्यूशन, हैज अ सोल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 1, यानी कि अल्टीमेटली जो इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा, आंसर्स आपके पास आएंगे सी और डी, यानी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं, उसे जेड की वैल्यू दे रखी है, और अगर हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए जेड प्लस बी अपॉन जेड प्लस वन को कैलकुलेट करते हैं और उसको वाई के बराबर लिख रहे हैं, जेड की जगह पे ए प्लस एक्स वाई रखेंगे तो बनेगा ए प्लस एक्स प्लस आई वाई प्लस का बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस का आई वाई। आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर दे रहा हूँ, तो बन जाएगा x प्लस वन माइनस का आई वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपन ने, x प्लस वन माइनस का आई वाई, और इसको y के बराबर इक्वेट करना है, तो अल्टीमेटली पूरा सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखें, तो इमेजिनरी पार्ट जो इसका बनेगा वो बनेगा b इंटू वाई और x प्लस वन इंटू, यहाँ से अगर अपन थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देते हैं उसके बाद इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, तो इसका रियल पार्ट आएगा ए एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, और इमेजिनरी पार्ट इसका आएगा प्लस का ए टाइम्स ऑफ वाई। ये इस पूरे क्वेश्चन का रियल पार्ट हो गया प्लस आयटा टाइम्स, जो इस क्वेश्चन का इमेजिनरी पार्ट बनेगा वो बनेगा ए वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, ए वाई ए एक्स और ए वाई, करेक्ट है, ए वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस का बी वाई, ठीक, और नीचे आएगा सिंप्लीफाई करने पे दैट वैल्यू शुड बी कम आउट टू बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। इसके इमेजिनरी पार्ट को वाई के बराबर करना है, हमने इसका इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट किया, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया ए वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस का बी वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं, ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस बी आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन प्लस आई वाई से, करेक्ट है, यहाँ का रियल पार्ट बनेगा ए एक्स प्लस बी और आई वाई टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई किया हमने वाई से, और वाई ए को मल्टीप्लाई किया वाई ए बी आएगा, और वाई ए को मल्टीप्लाई किया है एक्स प्लस वन से, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई किया वाई से, तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा, यहाँ पे अपन ने गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे अपने पास कैलकुलेट करके आएगा ए एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई, तो माइनस का ए एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई विच इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इमेजिनरी पार्ट लिख रहे हैं इसका, तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू वाई, ओके, देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा ए एक्स वाई प्लस का ए वाई माइनस का ए एक्स वाई माइनस का बी वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। तो आपके ये टर्म इससे कट जाएगा, और गिवन है आपके पास एक डाटा, वो गिवन है ए माइनस बी इक्वल्स टू वन, तो अगर हम ए माइनस बी इक्वल्स टू वन को इसमें यूज़ करेंगे तो ए माइनस बी को वन यूज़ करने ये बन जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, क्योंकि मैंने ए माइनस बी की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पे वन ले लिया, वाई वाई नॉन जीरो, तो वाई से वाई कट गया, ए माइनस बी को वन रख दिया, सिंप्लीफाई करें अपने पास रिलेशन आया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू वन, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर। इसको देखते हुए जो हमारे पास ऑप्शंस करेक्ट होंगे वो ऑप्शन बी होगा और ऑप्शन डी होगा, यानी करेक्ट आंसर्स आएंगे दैट इज कम आउट टू बी बी एंड डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 40th, अगेन ए वेरी सिंपल एंड नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ द हाइपरबोला। उसने बोल रखा है कि हाइपरबोला की एक टेंजेंट है और हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आइए ध्यान से देखें, तो आपके पास जो हाइपरबोला दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू वन,
इस हाइपरबोला के अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। उम्मीद करूंगा आप लोग को याद होगी, माइनस की बी स्क्वायर की जगह पर मैं 16 को वर्कआउट करा दे रहा हूँ, क्लियर। अब गिवन इक्वेशन जो टेंजेंट की गिवन है हमको, उस इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर कर दे तो टेंजेंट की इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो ऑन कंपेरिजन विल गेट द वैल्यू m इक्वल्स टू 2 एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1। दोनों की वैल्यूज को पुट करके यहाँ से हम ए स्क्वायर इंटू 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1 निकालेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 17 बाई 4। ए स्क्वायर की वैल्यू 17/4 आ गई। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात कर रहा है वो, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। लॉजिक इज दिस कि अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू की बात करें तो आप ऑब्जर्व करें तो अपने पास ए जो आएगा वो रूट 17/2 निकल के आएगा, विच इज अ स्लाइटली ग्रेटर देन 2, करेक्ट है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं, जैसे कि हम ऑप्शन ए की बात कर लें और पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करें, तो अपन लिखेंगे 4² = a² + 1। अब आप ध्यान से सोचिए, इस साइड को एक इंटीजर बनना है तो इस साइड को भी इंटीजर होना मस्ट है, और ए स्क्वायर की वैल्यू 17/4 है जो कि किसी भी सूरत में इंटीजर नहीं बनाएगी, तो ऑप्शन ए और सिमिलरली ऑप्शन सी, क्योंकि सी स्क्वायर में भी हम ये लिखेंगे 4² = a² + 2 का स्क्वायर, तो ये भी कभी भी इंटीजर नहीं बन पाएगा क्योंकि नीचे 4 चल रहा है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। अब कहानी आती है अपने पास, कैन नॉट लिखा हुआ उसने, मतलब ये दोनों पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होंगे, कैन नॉट यानी मेरा आंसर ए और सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बी और डी ऑप्शन के लिए, तो अगर आप बी को ध्यान से देखें तो अपने पास आएगा 16, क्योंकि ए 2 से बड़ा है, ए 2 से बड़ा है तो 2a 4 से बड़ा होगा, इन तीनों में सबसे बड़ी साइड 4a होगी, तो अपने पास यहाँ से निकल के आएगा 4a² = 4² + 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं तो बन जाएगा 17 विच इज इक्वल टू 16 + 1, दैट इज कम आउट टू बी 17, मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रू है, यानी बी आंसर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आंसर होगा और हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमारा बी आंसर रिजेक्ट होगा। ऐसे ही हम डी को चेक कर लेते हैं, डी में हमारे पास 8 है और 2a है, ए अगर 2 से बड़ा है तो 2a 4 से स्लाइटली बड़ा होगा, तो सबसे बड़ी साइड 8 होगी, 8 की वजह से 8² = 4a² + 1 लिखूंगा मैं इसको, यहाँ से आएगा 64 और यहाँ से आएगा 4a² = 17 बनाएगा प्लस 1, यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब डी आंसर भी पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन द ऑप्शंस आर ए सी एंड डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। आप ध्यान से देखिए, अगेन एक कॉन्टिन्यूटी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया उसने, इसको अगर आप तमीज से देखेंगे तो fx इज इक्वल टू लिखा हुआ x इंटू कॉस ऑफ पाई टाइम्स ऑफ, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं ब्रैकेट x प्लस पाई टाइम्स ऑफ x। अब अगर आप ध्यान से सोचें, लेट अस अस्यूम मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, उसने बोला x इज इक्वल टू माइनस 1 के बारे में कमेंट कराइए, तो जब बेटा हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करेंगे तो इस वाले पार्ट को सिर्फ आप तमीज से देखिए, जब मैं इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करना चाहूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाहूंगा, तो राइट साइड पे माइनस 1 ब्रैकेट x को माइनस 1 छोड़ेगा और लेफ्ट साइड पे माइनस 1 पे ब्रैकेट x माइनस 2 को छोड़ेगा। अब जब हम इसको cos के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, मैं एक करके पूरा दिखा देता हूं आपको, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड की लिमिट कैलकुलेट करते वक्त अगर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 प्लस, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा ना लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 प्लस x की जगह पे x रहने दो और cos की जगह पे ध्यान से देखना, तो राइट साइड पे ये बनेगा माइनस पाई प्लस पाई x। पहले मैं बॉक्स को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 प्लस x इंटू cos ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा तो माइनस x इंटू cos ऑफ पाई x आएगा। माइनस 1 रखेंगे तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो ये माइनस 1 छोड़ेगा और कॉस माइनस पाई की वजह से माइनस 1 छोड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 1 विद अ माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस 1 आएगा। ऐसे जब मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 माइनस और अंदर बैठेगा एफ एक्स, तो ये एक्सप्रेशन बन के आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 1 माइनस x इंटू कॉस ऑफ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस 1 माइनस से ब्रैकेट x माइनस 2 होगा,
तो बनेगा माइनस टू पाई प्लस का पाई एक्स। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन माइनस अंदर आएगा एक्स इंटू कॉस ऑफ टू पाई माइनस थीटा, तो माइनस का कॉस ऑफ टू पाई, वहां से पाई माइनस थीटा आएगा, यहां से टू पाई माइनस थीटा आएगा, तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये छोड़ेगा माइनस वन कॉस ऑफ पाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, अल्टीमेटली यहां से प्लस वन आ जाएगा। तो फंक्शन क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी इसलिए माइनस वन पे फंक्शन कैसा दिखेगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस। तो इन शॉर्ट में इसको अगर आपको समझाऊं बेटा तो ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं, जब हम इंटीजर्स पे राइट और लेफ्ट डिफरेंट देख रहे हैं तो हमारा एक तरफ से फंक्शन पॉजिटिव खुल रहा है और एक तरफ से फंक्शन निगेटिव खुल रहा है, यानी कि जिन जिन इंटीजर पे ये फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव खुलेगा उन उन इंटीजर पे ये फंक्शन अलग अलग वैल्यू देगा हमें। तो जैसे माइनस वन पे आपको दिख रहा है कि दोनों साइड खुलेगा इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, उसने पूछा था डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होगा, तो आंसर ए होगा। सिमिलरली वन पे ये एक तरफ से जीरो छोड़ेगा और एक तरफ से वन छोड़ेगा, अगेन डिसकंटिन्यूअस। जीरो पे ये दोनों साइड से सेम रहेगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और टू पे अगेन एक तरफ से टू छोड़ेगा और एक तरफ से वन छोड़ेगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। अल्टीमेटली आपके आंसर्स निकल के आएंगे यहाँ से ए सी एंड डी, सॉरी ए बी एंड डी। नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 42, अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ द मैट्रिस। उसने बोला विच ऑफ द नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिसेस विद द रियल एंट्रीज। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, एक मैट्रिक्स मैंने कोई ले रखी होगी 3x3 एलिमेंट की और उसका स्क्वायर करूंगा तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला ए स्क्वायर, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू आएगी। अब आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे जो इंट्रीज रखी है वो रियल इंट्रीज हैं तो ये कौन कौन से ऑप्शन ले सकता है वही हमें चेक करना है। तो मैंने यहाँ से आपको वो चीज़ सिखाई, कैसे सिखाई है वो देखेंगे हम। हर एक मैट्रिक्स जो दे रखी है ए बी सी में वो सबकी मैट्रिक्स ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन सबके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दिए हमने। जब हमने पहले वाले का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो 1 1 1 माइनस वन आया, 1 - 1 माइनस वन माइनस वन आया, 1 - 1 - 1 प्लस वन आया, 1 1 1 प्लस वन आया। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से देखें, यानी जो ए स्क्वायर का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं वो ये आ रहा है -1 - 1 + 1 + 1। अब मैं आपसे कुछ बोलूँगा, अगर किसी मैट्रिक्स की सारी इंट्रीज रियल हैं तो उसके स्क्वायर की जो भी इंट्रीज आएंगी उसका जब मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा तो वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये कभी भी दिस नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, जो भी पॉजिटिव बन के आ रहा हो। ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में डिटर्मिनेंट का जो ए स्क्वायर का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है और बी और डी में पॉजिटिव आ रहा है। मुझे पॉजिटिव चाहिए, उसने बोला नॉट द स्क्वायर मैट्रिसेस, तो आंसर ए और सी होगा, यानी करेक्ट आंसर ए एंड सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोनिक क्वेश्चन, पैराबोला का सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा उसने देखते हैं, उसने बोला है कि एक पैराबोला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x और इस पैराबोला की एक कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है। कॉर्ड अगर मैं इसकी फोटो के हिसाब से आपसे बात कर लूँ तो ये पैराबोला इस तरीके से बना हुआ है और 2x + y मतलब कुछ इस टाइप से कॉर्ड दे रखी होगी। मैं इस कॉर्ड को ए बी लिख देता हूँ, इस ए बी की इक्वेशन में एल मान लेना जो कि ये लिखी हुई है, इसके मिड पॉइंट को मैंने एम एच कॉमा के मान लिया। कॉर्ड की इक्वेशन हमें दे रखी है उसने 2x + y इक्वल्स टू p लिख दो और कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट फॉर्मूला होता है t = s1 फॉर एनी कर्व, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। तो अगर मैं ए बी कॉर्ड की इक्वेशन बोल रहा हूँ, यहाँ से भी मैं अगर ए बी की इक्वेशन लिखता हूँ तो t का मतलब हो जाएगा पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन, दैट इज वाई के माइनस का 8 × x + h इज इक्वल्स टू एस वन का मतलब हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 16h। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास रिलेशन आएगा वाई के माइनस का 8x इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस का 8x। इक्वेशन 1 और 2 बाई डिफॉल्ट इक्वेशन 1 और 2 सेम इक्वेशन है, तो 1 और 2 को हम कंपेयर कर देते हैं। 1 और 2 आर सेम इक्वेशन, तो x का कोफिशिएंट ऊपर से 2 आएगा नीचे से -8 आएगा, y का कोफिशिएंट ऊपर से 1 आएगा नीचे से k आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म ऊपर से p आएगा नीचे से k स्क्वायर माइनस 8h आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखिए,
इन दोनों से बेटा हमें k की वैल्यू माइनस फोर मिल गई। k की वैल्यू माइनस फोर का रिलेशन मैं इन दोनों में यूज़ कर ले रहा हूँ। जब इन दोनों में यूज़ करूँगा तो अपने पास आएगा k स्क्वायर माइनस एट एच इज इक्वल्स टू के पी। के की वैल्यू पुट करूँगा तो 16 माइनस एट एच इज इक्वल्स टू माइनस का 4p। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 माइनस 2h इज इक्वल्स टू माइनस पी। अल्टीमेटली इक्वेशन आएगी 2h माइनस पी इज इक्वल्स टू 4। आप क्वेश्चन को इसी स्टेप में छोड़ सकते हैं, आप p निकालना चाहे p निकाल भी सकते हैं, बट नीड नहीं है, क्यों इसके बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं। तो हम इसी इक्वेशन से अगर इसको चेक करेंगे 2h माइनस पी इज इक्वल्स टू 4 से, तो k की वैल्यू माइनस 4 आ चुकी थी, इसलिए ऑप्शन खाली b और c चेक करना है। a और d ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। अब b और c ऑप्शन में h और p की कौन सी वैल्यू वो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो हम चेक कर लेते हैं। h की वैल्यू अगर हमने 3 रखी और p की वैल्यू 2 रखी तो 6 माइनस 2 4, यानी कि b आंसर करेक्ट है अपना। h की वैल्यू अगर 2 रखी और p की माइनस 2 रखी तो 2 टू द 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो c आंसर रिजेक्ट है, यानी अल्टीमेटली आंसर हमारा b आएगा, नहीं करेक्ट आंसर इज b।